हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसा कि आप देख सकते हो कि फाइनली अब मैं गई सरोजनी नगर, क्योंकि अब थोड़ा सा सेफ भी है जाना। एंड मैंने यहाँ की मार्केट एक्सप्लोर की, और मैं पहले ही बता दूँ कि मैं फ्राइडे के दिन गई थी। काफ़ी सारे लोग मंडे को जाते हैं, तो आज हम लोग देखने वाले हैं बेसिकली कि मंडे को ना जाके किसी और दिन जाके क्या सचमुच में वो 50-25 रुपये वाले सामान मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहले मैंने एंटर किया इधर से, जिधर DLF मॉल है, जो ये जहाँ मल्टी लेवल पार्किंग है, वहाँ से आप मेट्रो से अगर जाते हो तो आप किसी भी गेट से जा सकते हैं। तो यहाँ पे ना सबसे पहले मैंने एंटर किया और इधर की साइड जो मार्केट थी वो एक्सप्लोर करी। देन उसके बाद एक लॉन्ड्री वाली गली है जहाँ पे लॉन्ड्री मिलती है, तो वहाँ से मैंने किया था एंटर। अब यहाँ पर एक से एक लॉन्ड्री तो है ही है, साथ के साथ ना यहाँ पर अब बच्चों के कपड़े और हैट्स वगैरह भी मिलने लगी हैं, साथ में फेक हेयर जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं वो भी मिल रहे हैं, एंड कुछ फुटवेयर की भी शॉप्स हैं साथ के साथ। बट जो इनकी स्पोर्ट्स ब्रा वगैरह और इस तरीके के हैं ना, जिम वेयर काइंड ऑफ जो हैं, वो बहुत ही अच्छे थे, और मेरा मन तो कर रहा था देख के कि ले लो, बट देन मैंने लिया नहीं क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। तो और यहाँ पर जो चप्पल थी ना, वो सारी वो अमेज़न, मीशो और ये सारी जो मिलती थी ना पहले चाइनीज़ वेबसाइट्स पर हमारी, वो सारी थी एक से एक, और इनका प्राइस था 200 रुपीज़ ओनली। यू कैन सी ये सारी की सारी चप्पल ना 200-200 रुपए की थी, एंड क्वालिटी वाइज भी ये काफ़ी अच्छी थी। मैंने सेम स्लीपर ना, इससे थोड़ा सा अलग डिज़ाइन था, वो अमेज़न से मंगाई थी और वो मुझे 350 की पड़ी थी। देन उसके बाद यहाँ पे जब बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे ना शॉप्स थी जहाँ पे बच्चों के कपड़े काफ़ी ज़्यादा थे। इस बारी बहुत सामान था बच्चों का, मेरा मन तो बहुत कर रहा था कि ले लूँ। देन उसके बाद ये छोटे छोटे से थड़ी लगी हुई थी जिसपे 100-100 रुपये में आपको बहुत सारी ऐसी मिल जाएंगी, जहाँ प्लाजोज थे, तो यहाँ से मैंने एक प्लाजो ले ही लिया जो कि आपको मेरे हॉल में दिख जाएगा आगे। देन उसके बाद शेड्स थे, तो पहले तो 100-100 के मिल जाते थे, अब जो है 100 के कोई भी नहीं देता है, अब थोड़े महंगे हो गए हैं। फिर ये कुछ ऐसे छोटे छोटे स्टॉल्स लगे रहते हैं जहाँ पे ज्वेलरी मिलती है, तो यहाँ से कुछ ज्वेलरी ली मैंने। एंड यहाँ पे 30 रुपीज़ के 3 ईयरिंग्स आपको मिल जाएंगे, और कुछ 100-100 रुपये के चोकर वगैरह मिल जाएंगे। देन ये इस तरीके के फैंसी जो सेट्स हैं पार्टी वेयर काइंड ऑफ, वो आपको मिल जाएंगे 100-100 रुपये में, मैंने देखे, जिसमें मांग टीका, एक छोटा सा नेकलेस और साथ के साथ ईयरिंग्स भी थे। देन उसके बाद जब अंदर जाते हैं ना यहाँ पे, तो आपको ना मोस्टली कलेक्शन वही वाला मिलेगा जैसा आपको मीशो वगैरह पे, और आजकल वो कोरियन फैशन चल गया है ना सारा, वो नेट वाला और इस तरीके का आपको सारे में मिल जाएगा, वो भर भर के लगा हुआ है वो सारा सामान आजकल। बट ये जो कमेटी वाले आ जाते हैं और सामान उठा के ले जाते हैं, तो इसकी वजह से आज मार्केट थोड़ी सी खाली थी, वो काफ़ी बारी आए जा रहे थे, तो इसलिए बाहर कुछ भी नहीं लगा था, सब कुछ अंदर अंदर ही था, और थोड़ा फैला फैला सा हो रहा था सामान, तो इसलिए कुछ कुछ जगह पे ना आपको कुछ कुछ चीज़ें कम मिलेंगी। अदरवाइज़ आप देखो सारे वैसे वाले टॉप हैं, पफी स्लीव्स वाले और इस तरीके के, सब कुछ आपको दिखाई देगा यहाँ पे। और ये सारे आप देखोगे ना मेरे हॉल्स अगर आपने चेकआउट किए हैं, तो ये रेनबो वाला जो टॉप है ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, मैंने मीशो से लिया था, अर्बैनिक पे मिल रहा है, और भी बहुत सारे, एंड टाई एंड डाई, तो आपको इतना मिलेगा टाई एंड डाई के ही आपको सारे मोस्टली क्लोथ्स मिलेंगे। ये एक बहुत ही जनरस बंदे मुझे मिले वहाँ पर, उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया और साथ में ने कुछ और लोगों से भी शायद से कराया था। ये शॉप नंबर 194 थी, यहाँ पर आपको 100 रुपीज़ से लेके 300 तक के और 350 तक के काफ़ी सारे एक से एक टाई एंड डाई में स्टाइल्स मिल जाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ अंदर ले जाके, अभी मुझे बहुत पसंद आया था इनका कलेक्शन, यहाँ से भी मैंने एक दो टॉप्स लिए थे, एंड देन वो कोका कोला लिखा हुआ और ऐसे ऐसे टॉप्स भी थे। ये बाहर वाली थड़ी पे 100 रुपीज़ के थे, बट अंदर जाके जो है 200-250 के थे, एंड मैंने बार्गेनिंग नहीं करी थी, बट आई होप आप बार्गेनिंग करेंगे, अगर आप बहुत अच्छे हैं बार्गेनिंग में तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और आप अच्छा खासा डिस्काउंट ले भी लोगे। अंदर बहुत अच्छा कलेक्शन था, प्लस इनके इसमें ना अंदर लॉन्जरी भी था अगेन, और बहुत ही एक से एक ब्रालेट्स और इस तरीके के पार्टी वेयर कपड़े थे, अगर आप पहनते हो तो आप डेफिनेटली ले सकते हो, बहुत ही सुंदर कलेक्शन था। एंड टाई एंड डाई का तो बहुत ही ह्यूज कलेक्शन था इनके पास, इस टाइम पे सबसे ज़्यादा चल रहा है टाई एंड डाई, फिर ये प्रिंट्स वाले और ये कोरियन वोरियन वाले जो होते हैं ना म्यूज़िक बैंड्स टाइप्स, वैसे कपड़े भी बहुत थे। देन उसी के अंदर 194 में ही एक थड़ी लगी हुई थी जिसमें 150 के बॉटम्स थे, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे बॉटम्स थे, मैंने वहाँ से भी कुछ लिया है।
तो गाइज़ आप लोगों को ना गेस करना है कि मैंने क्या लिया होगा, फिर मैं गिव अवे करने वाली हूँ, उसमें आप लोगों को प्राइज़ मिलने वाला है। देन अगेन ये पूरा फिर से वैसे वाले सारे टॉप्स थे, एक से एक जो आजकल चल रहे हैं, ये थे 200-350 के। ये जो पर्पल वाला टॉप सामने लगा हुआ है आप देखोगे तो ऐसा टॉप मैंने भी सेम लिया है, बस उस पर वो कढ़ाई नहीं है, और यहाँ पर भी 350 और ऐसे ही मिल रहा था। तो आई होप आप बार्गेनिंग करोगे तो मिल जाएगा आप लोगों को ना। यहाँ पर एक से एक साटन नाइट सूट्स मिल जाएंगे, बहुत ही सुंदर साटन के नाइट सूट्स अवेलेबल हैं, शॉर्ट्स के साथ भी एंड फुल पजामा के साथ भी। शॉर्ट्स वाले 350 के थे एंड पजामा वाले 450 रुपीज़ के थे। देन ये 30 रुपीज़ के इयररिंग्स, मतलब 30 के नहीं एक्चुअली 100 के 3 दे रहे थे वहाँ पे, वो थे अवेलेबल। उसके बाद पीछे हम लोग जाते हैं, वहाँ पे भी काफ़ी सारी चप्पल्स थी। अच्छा, मैंने ना एक चीज़ हमेशा नोट करी है सरोजनी में, गली वाइज प्राइजेज हैं वहाँ पे भी, जो ये मेन वाली गली है ना सबसे, वहाँ पे आपको सस्ता सामान मिलता है, और जो सबसे पीछे वाली गली है वहाँ पे आपको हमेशा महंगा सामान मिलता है, जितने ये फूल वाली शॉप है। और फिर मैं गई ग्रेफिटी लेन में, तो ग्रेफिटी लेन में इस टाइम पे क्या है कि ग्रेफिटी लेन में ना काफ़ी सारा विंटर कलेक्शन आया हुआ है। ग्रेफिटी लेन में एक तो आपको वाइट कपड़े बहुत मिल जाते हैं, फिर ये विंटर कलेक्शन था वहाँ पे, सारा का सारा ट्रेंच कोट्स आए हुए हैं। अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं कि इस विंटर आप कहीं घूमने जाने वाले हैं और किसी ठंडी जगह पे, तो गाइज़ ये बेस्ट टाइम है कि आप जाओ और सरोजनी से शॉपिंग कर लो। यहाँ पे अभी इस टाइम पे काफ़ी अच्छे प्राइस रेंज में आपको 400-350 रुपए में, इनफैक्ट बार्गेनिंग करोगे तो शायद और कम में भी आपको एक से एक ट्रेंच कोट्स मिल जाए। और बहुत ही स्मार्ट कलेक्शन है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट अच्छा कलेक्शन आया हुआ है। फिर मैंने यहाँ पर कुछ और कलरफुल टॉप्स वगैरह देखे 30 पे, वहाँ से बाहर निकलते ही जब हम लेफ्ट हैंड साइड पर जाते हैं इनसेंस के सामने था, काफ़ी अच्छा। एंड गाइज़ मैं सही बताऊँ तो ना, मुझे इनसेंस का कलेक्शन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बट इस बारी मैंने बाहर देखा डमीज पे, इनसेंस पे भी बहुत सुंदर पार्टी वेयर गाउन्स थे। आई नो कि वो थोड़े महंगे होंगे बट बहुत ही अच्छा कलेक्शन था, काफ़ी सुंदर पार्टी वेयर गाउन्स थे वहाँ पर भी। सी एक से एक पार्टी वेयर गाउन, ये जो साइड में सबसे कॉर्नर पे दिख रहा है मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था ये, बट मेरे पास टाइम नहीं था इतना कि मैं अंदर जाऊँ एंड ना ही कोई ओकेजन। देन किड्स के कपड़े इतने ज़्यादा कब से आने लगे सरोजनी में मुझे नहीं पता, या फिर मेरे पास अब बच्चा है तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद मैं ज़्यादा एक्सप्लोर करने लगी हूँ, बट इस बार बहुत ज़्यादा स्टॉल थे जहाँ बच्चों के कपड़े थे। देन यहाँ पर ये वहाँ से बाहर निकलते ही ना इंसेंस के जस्ट साइड में जो मेन वाली गली है वहाँ पर था ये मंदिर के साइड में एक लगा हुआ था, तो यहाँ पे भी ना काफ़ी अच्छे अच्छे स्टाइलिश टॉप्स थे और बहुत ही सस्ते थे। यहाँ पे आपको 100 रुपीज़ में भी मिल जाएंगे, अगर आप अच्छे से बार्गेनिंग कर लोगे तो आपको काफ़ी सस्ता पड़ जाएगा। आई कैन बेट नेट वाले टॉप्स थे, मेश वाले टॉप्स थे, बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे। एंड साथ में इनके पास कुछ फुटवेयर वगैरह भी था, और टॉप्स थे प्रिंटेड पेस्ली प्रिंट। एंड देन वहाँ पर थोड़ा सा आगे जाके आपको जो है वही साटन वाले नाइट सूट्स मिल जाएंगे। इतना ज़्यादा इस टाइम पर सामान है ना, सारा चाइनीज़ वाला सामान है, एक से एक जो आपको क्लॉथ फैक्ट्री मीशो शीन पर मिलता था ना, वो सब कुछ मिल रहा है इस टाइम पे यहाँ पे काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में। प्लस बैग्स एक से एक मिल रहे हैं, बट गाइस बैग में ना यहाँ पे आप बार्गेनिंग नहीं कर पाते हो। फिर ये सारे H&M वाले जो ड्यूप्स होते हैं वो आपको बहुत मिल जाएंगे भर भर के यहाँ पे। एंड बैग्स तो सचमुच में बहुत ही अच्छे अच्छे बैग्स अवेलेबल थे, बट मुझे बैग की ज़रूरत नहीं थी तो मैंने बैग नहीं ज़्यादा एक्सप्लोर किए, बट काफ़ी अच्छा कलेक्शन था सच बताऊँ तो बैग्स का। देन उसके बाद ही ग्राफिक टी शर्ट्स तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल थी ही थी, और साथ में पजामास तो बहुत सारे थे वहाँ पे, काफ़ी अच्छे अच्छे पजामास थे जो आप घर में पहन सकते हो बेसिकली। इनफैक्ट मैक्स वगैरह के भी पजामास थे, मैंने बहुत सारी जगह देखे, और अगर आपका साइज़ बड़ा है ना लाइक 3XL 4XL साइज तक के भी पजामास अवेलेबल थे, वो भी ब्रांडेड मैक्स वगैरह के। उसके अलावा फुटवेयर था काफ़ी सारा, बहुत अच्छा अच्छा एक से एक फुटवेयर थे, स्वेड का टाइप मटेरियल था और प्लास्टिक वाले में थे बहुत सारे, रबड़ में एक से एक स्टाइलिश थे। और डेनिम का काफ़ी सारा कलेक्शन था, जो ये मेन वाली गली है मुझे इसका नाम नहीं पता, जो इनसेंस के साथ में गली है ना जो ग्रेफिटी लेन से निकलते हैं, मैंने इसीलिए ना शॉप्स शो कर दिया ऊपर, जैसे ये डेनिजन वाली शॉप है यहाँ पर था। और आपको एक्सेसरीज़ हेयर एक्सेसरीज़ बहुत सारी इस टाइम पर मिल जाएंगे, बट येस प्राइस ऐसा नहीं है कि बहुत सस्ता था या आपको 150 रुपये वाला कुछ मिलेगा, नहीं नहीं 150 रुपये में आपको सिर्फ पजामास मिल जाएंगे, आपको एक दो टी शर्ट्स मिल जाएंगे। इनफैक्ट 50 वाला तो कुछ था ही नहीं, वो मंडे मार्केट में होता
होगा। अगर आपको मंडे मार्केट का भी व्लॉग देखना है तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना नीचे कि यस मंडे मार्केट का व्लॉग भी लेके आओ। एंड मेंस की जो भी टी शर्ट्स है ना आजकल काफ़ी अच्छे अच्छे कलर्स में चल रही है, लाइट लाइट कलर्स में, वो सारी अवेलेबल थी। देन उसके बाद ये H&M, ज़ारा के ये सारे टी शर्ट्स अवेलेबल थे, एक से एक स्टाइल्स थे, बहुत सारी। ये वाली टी शर्ट तो आपको हर जगह मिल जाएगी, जो पर्टिकुलर बादामी कलर में और ब्लू कलर में मैंने आपको दिखाई ना, ये टी शर्ट आपको बहुत सारी जगह मिल जाएगी सिर्फ 200-200 रुपए में। देन अगेन 200-200 रुपए में आपको बच्चों के कपड़े मिल जाएंगे, एक से एक फ्रॉक्स वगैरह काफ़ी कंफर्टेबल, जो कॉटन वाली होती है हम वही। देन हम लोग ये स्टेला टोज वाली लेन में आए, यहाँ पे भी काफ़ी सारा, यहाँ पे एक शॉप थी, इस पर पूरा डेनिम कलेक्शन था, शॉप नंबर 48 आई थिंक ये, यस। और यहाँ पे काफ़ी सारा डेनिम कलेक्शन था, इन पे आप बहुत अच्छे से बार्गेनिंग करना और एक से एक कपड़े ले लेना, काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शन था यहाँ पे। नीचे से जो फटा हुआ, नीचे से जो रग्ड होता है वैसा वाला स्टाइल था, और भी बहुत सारे स्टाइल्स यहाँ पे अवेलेबल थे। तो आप लोग ना डेफिनेटली एक बार ही चेकआउट करना, एंड गाइस जब भी आप जाओ ना बार्गेनिंग करना बिल्कुल मत भूलना। देन ये एक शॉप नंबर 54 थी, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुंदर कलेक्शन था, एकदम इंस्टाग्राम वर्थी एंड कॉलेज स्टूडेंट्स टाइप सारा कलेक्शन था, बहुत ही अच्छे कलर्स भी थे और प्राइस भी काफ़ी अफोर्डेबल था, अंडर 500 आपको बहुत ही। ये एक वाइफ लाइफ वाली टी शर्ट्स थी, मुझे ये नहीं समझ में आया कि वाइफ के लिए क्यों है, ये मैन के लिए होती तो शायद ज़्यादा अच्छा रहता, वाइफ खुद ही लाइफ वाली टी शर्ट पहन रही है, आई डोंट नो द लॉजिक, बट ये काफ़ी स्मार्ट लग रही थी देखने में, बट मैंने ली नहीं है। तो आप देख सकते हो, और इयररिंग्स वगैरह तो बहुत सारे थे। यहाँ पे पीछे एंड में जब वापस आते हैं ना, जिधर पार्किंग की साइड पे हम लोग DLF की साइड पे, वहाँ पे भी कुछ स्टॉल्स लगे थे जहाँ पे आपको मेकअप वगैरह मिल जाएगा, बट मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करती हूँ। सो एक ये शॉप थी 77 स्क्वायर के सामने, मुझे शॉप का नाम याद नहीं है। यहाँ पे काफ़ी अच्छे कैजुअल गाउन्स वगैरह थे और ड्रेसेस थी बॉडीकॉन, ये यहाँ पे भी आप चेकआउट कर सकते हो, काफ़ी अफोर्डेबल थी, अंडर 450 ही थी सारी, और बहुत सारी थी वैरायटीज के अंदर डेली वेयर में स्पेसिफिकली। सो गाइज ये था मेरा सरोजनी नगर एक्सप्लोरिंग वीडियो, और हॉल भी आने वाला है बहुत ही जल्दी कि मैंने क्या क्या सामान लिया है। आई होप आपको वीडियो सही लगा, अगर सही लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड बताना क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और क्या और मैं कर सकती थी, और कमेंट ज़रूर से करना। और अगर आप सरोजनी जाते हो इस वीडियो को देखने के बाद तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी टैग ज़रूर करना। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, सी यू नेक्स्ट टाइम।